हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम खेलने वाला माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम एक पूरा एक न्यू वर्ल्ड बनाएंगे और सब कुछ करेंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे और घर भी बनाएंगे और भी ज़्यादा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और तो और मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे इस गेम में एक प्रो की तरीके से खेल सकते हो और प्रो की तरीके से इस गेम को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, ये सब आज के वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले प्ले के बटन पर टैप कर देता हूँ और आप आज के वीडियो में एक न्यू वर्ल्ड जो है स्टार्ट करने वाले दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड, थोड़ा सा लोडिंग होगा। तो अभी सर्वाइवल पर है हम खेलने वाले हैं, तो डिफ़िकल्टी होगा नॉर्मल। क्रिएट पर टैप कर देता हूँ। तो अभी जो नाम है वो हम चूज़ करने वाले टेक गेमिंग, हमारा चैनल का नेम ही है और ज़्यादा कुछ नहीं, टेक गेमिंग। ओके, क्रिएट। तो कुछ अच्छा सा प्लेस मिल जाए तो अच्छा है। तो जब तक लोडिंग हो रहा, अगर आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर जरूर कर देना दोस्तों और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। उससे हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोग ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। लोडिंग जो है होने वाला है, तो अच्छा प्लेस मिल जाए तो बढ़िया है, किसी विलेज के पास मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग को एक रैंडम से जगह में छोड़ दिया है। तो अभी आप लोग को सबसे पहले ढूंढना है पेड़। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरे सामने जो है पेड़ है। तो अभी मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पेड़ को काटने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेड़ है दोस्तों। तो अभी मैं पेड़ काट लेता हूँ जितना हो सकता है। और दोस्तों, आप लोगों को पेड़ काटने के लिए आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये ऑटोमेटिकली पेड़ जो है काट दे रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोगों को पेड़ को काटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले गेम में आप लोगों को पेड़ ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटीरियल है। उसके बाद आप लोगों को कोल है इंपॉर्टेंट मटीरियल है, लेकिन पेड़ से भी आप कोल को बना सकते हैं दोस्तों। वो कैसे बना सकते हैं मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों, मैंने पूरे के पूरे 6 लॉग जो है काट लिया दोस्तों। अभी मैं इसको बनाऊंगा प्लैंक्स। तो प्लैंक्स बनाने के बाद मेरे को बनाना है क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वुड को जो है 4 ब्लॉक को फिल कर देना है इसी तरीके से, और आप लोगों को बन जाएगा क्राफ्टिंग टेबल। ये है क्राफ्टिंग टेबल दोस्तों। और मैं और ज़्यादा प्लैंक्स को जो है बना लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं बनाने वाला वुडन का टूल्स। तो वुडन का टूल्स बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए स्टिक्स। तो स्टिक्स मैंने बना लिया दोस्तों। अभी मैं बनाऊंगा सबसे पहले एक वुडन का एक्स और एक वुडन का पिकैक्स। और आप लोगों को कुछ भी क्राफ्ट नहीं करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ देता हूँ और पिक कर लेता हूँ इस क्राफ्टिंग टेबल को। तो अभी मैं ढूंढने वाला हूँ स्टोन, क्योंकि आप स्टोन का भी टूल्स बना सकते हो दोस्तों। तो मैं अभी स्टोन को जो है ढूंढने वाला हूँ। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरे का भी स्टोन जो है मिल गया दोस्तों। इसी टाइप का दिखता है स्टोन। तो मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा स्टोन्स को इकट्ठा कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि स्टोन से भी आप काफ़ी ज़्यादा सही सही टूल्स बना सकते हो। वुडन का भी टूल्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टोन का टूल्स। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोन को इकट्ठा कर लिया दोस्तों। अभी मैं बनाऊंगा स्टोन का टूल्स। सबसे पहले मैं एक पिकैक्स बनाऊंगा और एक एक्स और एक पिकैक्स बना लूंगा दोस्तों। अभी मैं फिर से इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ देता हूँ और पिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले मेरे को जाना है एक विलेज, विलेज को ढूंढना है दोस्तों, क्योंकि विलेज के पास आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सही सही सामान मिल जाता है। और रास्ते में जितना पेड़ मिलता है वो भी मैं पेड़ को भी काटने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरे को एक केव मिला है दोस्तों। केव में आप लोगों को कोल मिल जाता है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरे को कोल भी मिल भी गया है दोस्तों। तो इसी प्रकार का दिखता है कोल। तो दोस्तों, अभी मेरे को जितना कोल मिलता है मैं उतना कोल को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कोल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा कोल को इकट्ठा कर लिया। आप इधर देख सकते हो, इधर और एक केव है। तो अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा सा टॉर्चेस बना लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने 8 टॉर्चेस जो है बना लिया है। तो दोस्तों, अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ। हो सकता है हम लोग को आयरन भी मिल सकता है। नहीं दोस्तों, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा केव है, काफ़ी छोटा है। तो अभी हम लोग को कोल ही मिला और ज़्यादा कुछ नहीं मिला, तो इस कोल को ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने उधर से काफ़ी ज़्यादा कोल को कलेक्ट कर लिया। अभी मैं फिर से जाने वाला हूँ विलेज को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरे को और एक केव जो है मिल गया दोस्तों। तो मैं इस केव का अंदर भी जाने वाला हूँ। हो सकता है हम लोग को आयरन मिल सकता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों, ये केव जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसके अंदर भी हम लोग को कुछ भी नहीं मिला दोस्तों। तो अभी रात हो जाने वाला है दोस्तों। तो मेरे को जल्दी से जल्दी एक विलेज को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जॉम्बीस आ जाएंगे रात को। तो इसीलिए मैं जल्दी से एक विलेज को ढूंढता हूँ दोस्तों, और उधर ही मैं एक घर बनाने वाला हूँ, क्योंकि विलेज के पास हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सही सही सामान मिल जाता है और हम उधर विलेजर से ट्रेड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए विलेज के आसपास ही हम लोग को घर बनाना चाहिए। तो मैं जल्दी से जल्दी एक विलेज को ढूंढता हूँ।
तो दोस्तों रास्ते में मेरे को थोड़ा सा खाना भी मिल गया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अभी मैं इसको मारता हूँ, क्योंकि इसको मारने से हम लोग को खाना मिलता है, और गाय को मारने से आप लोग को लेदर भी मिलता है, और लेदर से बनता है बुक। तो इसीलिए गाय जितना भी ले उतना ज़्यादा मार लो या पाल लो दोस्तों। तो अभी और ज़्यादा खाना जो है मिल रहा है, और अब जैसे कि आप इधर देख सकते हो रात होने ही वाला है दोस्तों। तो मैं जितना हो सकता है उतना खाना अब कलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो रात होने ही वाला है, अभी जॉम्बिस आ जाएंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा जॉम्बिस इधर स्पॉन हो जाएंगे। इसलिए मेरे को जल्दी से जल्दी एक मैं केव ढूंढता हूँ, और केव में मैं आज का रात जो है बिता लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने पहले इस केव पर आया था, अभी मैं इसी केव पर जाने वाला हूँ। अभी मैं इस केव पर ही एक शेल्टर बना लेता हूँ अपने के लिए, मतलब एक रात बिताने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैं इस जगह को ब्लॉक कर दे रहा हूँ, मतलब कोई भी ज़ॉम्बी आ नहीं पाए। तो दोस्तों अभी मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा माइनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों माइनिंग करने से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सही से सामान मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा माइनिंग कर लेता हूँ जब तक सुबह नहीं हो जाता है, क्योंकि मेरे पास बेड भी नहीं है मतलब सुबह करने के लिए। तो मेरे को माइनिंग ही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही मतलब टाइम पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैं नीचे माइनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जितना भी रेयरेस्ट मटेरियल है, मतलब माइनक्राफ्ट में जितना भी रेयरेस्ट मटेरियल है, वो सब हम लोग को नीचे ही मिलता है दोस्तों। तो मैं इसीलिए नीचे ही माइनिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैं नीचे माइनिंग कर रहा था और मेरे को मिल गया आयरन। इसी प्रकार का आयरन दिखता है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो इसी टाइप का आयरन दिखता है। तो मैं इस आयरन को तोड़ने वाला हूँ। तो मैं इसीलिए जितना आयरन मिलता है उतना आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये आयरन जो है मतलब हम लोग को ब्लॉक मिल रहा है दोस्तों, इसको हम लोग को स्मेल्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग को आयरन जो है मिलता है। और आयरन से भी हम काफ़ी ज़्यादा सही सही टूल्स बना सकते हैं दोस्तों, मतलब जितना स्टोन है स्टोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स हम बना सकते हैं आयरन से दोस्तों। और आयरन से भी स्ट्रॉन्ग टूल्स होते हैं डायमंड का। जब हम लोग को डायमंड मिल जाएगा और डायमंड से भी हम टूल्स बना सकते हो दोस्तों, वो आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन गोल्ड जो गोल्ड भी हम लोग को मिलता है, लेकिन गोल्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता मतलब आयरन के मुकाबले। और दोस्तों मैं आप लोगों को कल बताऊंगा आप कैसे डायमंड का भी मतलब माइन कर सकते हो, वो भी सही से आप लोगों को कैसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप लोगों को डायमंड भी मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मेरे को जितना आयरन मिलता है वो आयरन को मैं अभी कलेक्ट कर देता हूँ और स्मेल्ट भी कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मैं इस एरिया को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि कोई अंदर नहीं आ पाए। तो अभी ये रखा क्राफ्टिंग टेबल, तो अभी मैं बनाऊंगा फर्नेस। तो दोस्तों फर्नेस इस तरीके से बनता है, अभी मैं फर्नेस से ही इसको आयरन को स्मेल्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोल जो है नहीं मिलता है, तब आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को फर्नेस में स्टिक्स रखना है नीचे, और उसके ऊपर आप लोगों को लॉग रखना है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वुड को कलेक्ट करना है। और आप देख सकते हो इधर मेरे को चारकोल मिल रहा है दोस्तों, तो देख सकते हो इधर मेरे को चारकोल मिल रहा है दोस्तों। अभी मैं इस चारकोल को लेता हूँ और फिर से स्टिक्स की जगह पर रख देता हूँ, और मेरे को एक चारकोल से पूरे के पूरे 8 चारकोल मिल जाएगा दोस्तों। मतलब जितना भी ये लॉग है ये पूरे के पूरे जलेंगे, और मेरे को पूरे के पूरे 8 चारकोल मिल जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अगर आप लोगों को कोल नहीं भी मिलता है, आप इस तरीके से मतलब फर्नेस में आप अपना जो है स्टिक्स लगा सकते हो, और उसके ऊपर आप लोगों को रखना है लॉग, और आप लोगों को मिल जाएगा चारकोल। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता नहीं चारकोल कैसे काम करता है, तो मैं बता दूँ चारकोल भी सेम टू सेम कोल का ही काम करता है दोस्तों। तो अभी जितना को मतलब चारकोल बन सकता है उतना बनने देते हैं, और उसके बाद हम आयरन को भी स्मेल्ट करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो मेरे को पूरे के पूरे 20 आयरन ब्लॉक मिल गया दोस्तों, मतलब ब्लॉक नहीं पूरे के पूरे 20 आयरन मिल गया दोस्तों। अभी मैं इसको स्मेल्ट करूंगा और आयरन का जो टूल्स भी बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो मेरे को मिल गया 8 चारकोल। तो अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाने वाला, अभी मैं स्मेल्ट करने वाला हूँ आयरन को। मेरे ख्याल से एक चारकोल काफ़ी है दोस्तों, मतलब 20 आयरन को स्मेल्ट करने के लिए एक चारकोल काफ़ी है। आप लोगों को एक चारकोल में 20 आयरन जो है स्मेल्ट हो जाएगा दोस्तों। अभी इस आयरन को स्मेल्ट होने देते हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे आयरन का टूल्स। तो दोस्तों आयरन जो है पूरे के पूरे स्मेल्ट हो गया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो मेरे को पूरे के पूरे 20 आयरन मिल गया। बीच में जो है चारकोल कम पड़ गया, तो इसीलिए मैंने कोल भी लगा दिया। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ एक स्वॉर्ड, और उसके बाद बनाऊंगा एक पिकेक्स। तो दोस्तों स्वॉर्ड बनाने के लिए आप लोगों को नीचे एक स्टिक लगाना है, और उसके ऊपर 2 आयरन रखने से आप लोगों का स्वॉर्ड जो है बन जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो आप सीधा बुक पर भी जा सकते हो, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। मैं ये जैसे कि मैंने पिकेक्स पर टैप किया, आप देख सकते हो पिकेक्स जो है बन गया, और मैं एक पिकेक्स और एक शियर और एक बकेट जो है बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने एक स्वॉर्ड बनाया और 2 पिकेक्स बनाया और एक बकेट और एक शियर बनाया दोस्तों, और फिर भी मेरे पास 7 आयरन जो है बचा है दोस्तों। अभी मैं खाना का जो है पका लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा कुक कर ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब आप कुक करते हो तब आप लोगों को जब खाते हो उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा हेल्थ बढ़ता है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों को कुक कर ही खाना खाना चाहिए।
तो अभी इसको होने देते हैं। मेरे पास जितना भी खाना है वो सबको मैं कुक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरे पास जितना भी खाना है वो सारे के सारे कुक हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों इस फर्नेस का कोई भी काम नहीं है, तो मैं इसलिए इसको तोड़ देता हूँ और पिक कर लेता हूँ। अभी देखता हूँ सुबह होगा कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, सुबह हो गया दोस्तों। तो मैं अभी बाहर जा सकता हूँ, तो मैं अभी इसको क्राफ्टिंग टेबल को भी तोड़कर पिक कर लूँगा। तो ये थोड़ा क्राफ्टिंग टेबल। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, सुबह हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक कर दो, और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो दोस्तों कल हम जाने वाले एक न्यू विलेज को फाइंड करने के लिए, और दोस्तों कल हम कैसे भी कर एक विलेज को फाइंड करेंगे और उधर ही हमारा घर जो है बनाएंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अलविदा।